नमस्कार दोस्तों, बाईसेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम चेक करेंगे हमारा इंट्राडे का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आपने हमारी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लाइव करते रहते हैं और प्रॉफिट करवाने की कोशिश करते हैं लाइव में। आइए, सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है मैं आपको बता दूँ। एक पीडी लाइट का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ एक बाई का एरो दिया है, वो उसको बाई सिग्नल बोला जाता है। ये बाई सिग्नल है, कंफर्म है। इसमें भी आपको देखना होता है कि कंफर्म है या फिर नहीं है। अगर कंफर्म रहेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अगर कंफर्म नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये जो सिग्नल है वो परफेक्ट ट्रेड है। उसका रीज़न ये है कि आपको दिख रहा है कि बाई के बैक में ऐसा ऊपर की साइड का ब्लू एरो होना चाहिए, इसको कंफर्मेशन एरो बोला जाता है। अगर ये एरो है तो ये बाई सिग्नल परफेक्ट, अगर ये एरो नहीं है तो बाई सिग्नल गलत। अब यहाँ आपने ट्रेड किया तो आपका एग्जिट कहाँ पर होना चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट बिलो। अगर आपको यहाँ से उसने एक डाउन साइड एरो डाल दिया, मतलब कि आपकी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी। वैसे ही देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर एग्जिट हो चुका है, जो कि मैं थर्सडे गुरुवार से मैं बाई करवा रहा था। बाई के बैक में देखिए तो डबल कंफर्मेशन एरो लगा है, इसलिए ये डबल श्योरिटी के साथ बाई बना था, क्योंकि बाई के बैक में डबल एरो था, इसलिए ये डबल कंफर्म था। यहाँ आज आपको ओपन होते बोला था कि ये होल्ड रखिएगा और ऊपर जाएगा, और यहाँ से आपको बोल दिया कि भाई अब एग्जिट हो जाइए, मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो ओनली एग्जिट करिएगा। यहाँ आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली जो बाई की पोजिशन है आपको सिर्फ एग्जिट करना है। दूसरी बात, निफ्टी के अंदर भी चेक कर लेते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी बाई सिग्नल था, कंफर्म था, और मैंने ये लाइव ट्रेड लिया था, वो मैं बार बार आपको दिखा रहा था गुरुवार से। यहाँ से कंफर्म था, यहाँ आपको बोला गया था और ऊपर जाएगा होल्ड रखिए, यहाँ भी बोला था और ऊपर जाएगा होल्ड रखिए, यहाँ भी बोला था और ऊपर जाएगा होल्ड रखिए, यहाँ भी बोला था और ऊपर जाएगा होल्ड रखिए, और अभी चल रहा है करीब हम 11,499, और करीब हम यहाँ देखिए तो उसका एसएल हो गया है 452, और जो मैंने ट्रेड लिया था वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी सुबह 70,000 का प्रॉफिट था, और अभी करीबन 48,000 रुपीज़ है, जो कि नीचे आया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होगा जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से। पर अभी भी हमारा एसएल कटा नहीं हुआ है, अभी को मैंने 450 का एसएल लगाया था, वो अभी कंटिन्यू जारी है, और मैं इसको कटने ही दूंगा। अगर जब कटेगा तो मैं कटने दूंगा, और अगर ऊपर जाएगा तो हमें फायदा ही फायदा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैंने ये ओनली 1,000 रुपीज़ की रिस्क के साथ मैंने ट्रेड लिया था। दूसरा देख लेते हैं टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर के अंदर देखिए तो सेल सिग्नल है, सेल कंफर्म है, क्योंकि सेल के बैक में एक डाउन साइड ब्लू एरो लगा था, इसलिए ये सेल परफेक्ट था, कंफर्म था। उसके पहले का देखिए तो बाई भी कंफर्म था। हमारा सीट नंबर 2 का भी वेरिफिकेशन रहता है, वो अगर आपको जानना है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा। एसबीआई के अंदर भी मैंने सुबह ट्रेड दिया था, जो कि ऑलमोस्ट नीचे जाकर टारगेट अचीव करके ऊपर जा रहा है, पर ये हमारा टारगेट अचीव कर दिया है, ये परफेक्ट ट्रेड था। अभी हमारा सिग्नल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी रहेगा जब तक कोई आपको एग्जिट का एंट्री नहीं मिलता है तब तक। उसके बैक में एक बाई था, कंफर्म था, बाई के बैक में ऊपर की साइड का एरो लगा था, यहाँ आपको बोला गया था कि ये और ऊपर जाएगा आप होल्ड रखिए, यहाँ भी आपको बोला गया था कि ये और ऊपर जाएगा होल्ड रखिए, यहाँ आपका एग्जिट हो गया। तो सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है कि आपको कंटिन्यू बोलता रहेगा कि आप होल्ड रखिए ये ऊपर ही जाएगा, आप होल्ड रखिए ऊपर ही जाएगा, ऐसे जाकर आपको पूरा रैली का बेनिफिट आपको मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और सीट नंबर 2 का भी वेरिफिकेशन जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।